हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे चैनल सतनामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आलू से बना एक तेल बताने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को मोटा, घना और लंबा करेगा। ये बालों को मोटा, घना, लंबा ही नहीं करेगा बल्कि आप जो समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसको भी रोक देगा सफ़ेद होने से, और इसके कंटिन्यू यूज से बाल काले होना भी शुरू हो जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने गैस पे लोहे का एक पैन लिया है और उसमें मैंने 150 ml नारियल तेल डाल दिया है। आपको जो तेल शूट करता है आप वो ले सकते हैं। आप नारियल तेल भी ले सकते हैं, बादाम तेल भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और तेल को उसमें डाल दिया है। अब हमने जो ये आलू ग्रेट किया हुआ है, ये आलू मैंने ग्रेट 15-20 मिनट पहले कर दिया था ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। अब हम इस आलू को इस पैन में डालेंगे, पैन में डाल और इसको हिलाएंगे। आंच को धीरे ही रखना है। आपने YouTube में देखा होगा कि जैसे ही हमने आलू तेल में डालते हैं आलू पकता है और उसको छान लेते हैं, पर यहाँ ये तेल ऐसा नहीं है। इस तेल में ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो आपके बालों को मोटा, घना, लंबा और शाइनी करेंगे और वाइट हो रहे बालों को फिर से ब्लैक करना शुरू कर देंगे। आप इसे जब आपके पास समय हो तब आप इस तेल को लगा सकते हैं। नहाने जाने से 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसको पूरी जड़ों में, पूरी लेंथ में लगाइए। देखिए हमारे तेल में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसको कम से कम इस आलू को 2-3 मिनट ऐसे ही पकाना है। 2-3 मिनट हो गए हैं आलू को पकते हुए। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। आप सोच रहे होंगे दीदी क्या डालेगी, वही मेथी, वही कलौंजी, वही आंवला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं मेथी, कलौंजी, आंवला कुछ भी नहीं डालूंगी। चले देखते हैं मैं क्या डालती हूँ। अभी बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में पसीने की वजह से इचिंग बहुत होती है हमारे बालों में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालूंगी। आप चाहे तो दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच से थोड़ा कम मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसमें मैं डालूंगी ऑनियन पील और गार्लिक पील, जो हमारे बालों को और मजबूत बनाएगा। ये एक मुट्ठी के करीब इसको क्रश करके डालना है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए तेल को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम इस स्टेज पर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो आपके बालों को और मजबूत करेगा। चलिए देखते हैं क्या डाल रही हूँ मैं। एक हर्ब्स आती है नागर मोथा, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपको किसी भी पंसारी दुकान में मिल जाएगी, नहीं तो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं। ये मैंने इसे बॉटल में भर के रखा हुआ है। इसका मैं आधा चम्मच लूँगी और इसमें डाल दूँगी। बस आधा चम्मच ही काफ़ी है। अब हम इसे हिलाएंगे। जैसे ही हम इसे हिलाएंगे और तुरंत गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है।
अब हम इसको ठंडा होने तक रखेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इसे छान लिया है। ये देखिए इसका कलर। अब हम इसमें इस स्टेज में टी ट्री ऑयल की एसेंशियल ऑयल की 10 बूंदें डाल देंगे। आप टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल को अमेजोन से परचेस कर सकते हो, मंगवा सकते हो। ये देखिए हमारा तेल बनके रेडी हो गया है। ये एक ऐसा तेल है जो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। इसे बनाइए, लगाइए और मुझे फीडबैक शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल सतनाम कौर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।